मैं हूं मनीष वलीचा और हमेशा की तरह मैक्स पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन फिल्म। हमारी जाने पर जा सकती है एक सी थ्रिलर फ्रॉम टू थाउजेंड एंड सिक्स सिर्फ चौबीस घंटे महामूवी डेड सिर्फ 24 घंटे आपके साथ देखने के लिए प्लीज वेलकम इस फिल्म के डायरेक्टर तनवीर खान तनवीर साहब वेलकम टू महामूवी नाइस मीटिंग तनवीर साहब डेडलाइन का जो आइडिया है आपके दिमाग में कैसे आया देखिए डेडलाइन जो है मेडिकल uh, को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है तो मैंने अपने ही तजर्बे को कहीं पेश करने की कोशिश की है आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आपने uh, इस फिल्म में डाला बहुत ही ए, करीब में ही हमारी फैमिली में एक हादसा हुआ कि हमारी फार रिलेटिव एक मेरी कज़िन है बच्ची है उन्नीस साल की उनका कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो अंडर ट्रीटमेंट थी और वो ट्रीटमेंट के दरमियान पता चला कि उन दवाइयों का रिवर्सल इफ़ेक्ट हुआ और उसका रिवल लीवर ख़राब हो गया डॉक्टर ने कहा कि फ़ौर आप कानपुर से इन्हें दिल्ली ले जाइए वो भागदौड़ शुरू ही वहाँ ले गया तो उन्होंने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसका खर्चा होगा 40 लाख रुपए और एक काम करिए आप 20 लाख रुपए कल जमा करवा दीजिए इतनी बड़ी रकम और इतनी इमरजेंसी स्टेज पे उस वक्त जो कैफियत होती है जो लोग उस पीड़ा से गुजर रहे होते हैं उनका एहसास इस मेडिकल फर्टर्निटी को होता ही नहीं है टॉक अबाउट इरफान खान फैंटास्टिक एक्टर ही प्लेज द लीड इन योर फिल्म जब आप पहली बार इरफान खान को मिलने गए अपनी स्क्रिप्ट के साथ क्या रिएक्शन था उनका इस फिल्म को लेके एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है फिल्म के स्क्रिप्टिंग के बाद मैंने जिस जिस एक्टर को जिस रोल के लिए अप्रोच किया वो मतलब उसी वक्त इमीजिएटली उन्होंने हाँ किया चाहे वो इरफान खान हो चाहे वो कोंगना सेन हो जो हमारी टीम ने जो एक डायरेक्टर ने जो राइटरों ने सोचा जो टीम ने सोचा कि इस रोल के लिए यही मुनासिब है एंड वी वर सो फॉर्चुनेट कि वी गॉट दैन कहाँ मिले थे आप इरफान को आपको याद है इरफान कहीं शूटिंग कर रहे थे और वो कुछ दिनों के एक आध दिन के लिए बॉम्बे में आए थे तो मैं उनको मैरियट में जाके मिला और मैंने कहा कि ये मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए क्योंकि वो इसी तरह के एक्टर है कम्प्लीट स्क्रिप्ट चाहिए होती मैंने बोला आई डोंट माइंड मेरी स्क्रिप्ट रेडी है मैंने उनको स्क्रिप्ट दे दी उन्होंने पढ़ी और इमीडिएटली कहा कि आई एम डूइंग दिस फिल्म के टाइटल को लेके काफ़ी डिबेट काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि आ, प्रकाश झा ने रजिस्टर किया था डेडलाइन टाइटल एंड देन ऑफ अ प्रॉब्लम बिटवीन योर प्रोड्यूसर एंड प्रकाश झा ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन की गैर जिम्मेदारी रही क्योंकि हमने अपनी फिल्म का टाइटल डेड जो हमारी फिल्म को बहुत ही अप्रोप्रिएट था hmm. बुक करवाया था रजिस्टर करवाया था और जब इसकी पब्लिसिटी का वक्त आया तो हम उसी टाइटल के साथ हमने एक अनाउंसमेंट बेसिक शुरू किए तो हमको प्रकाश झा साहब की तरफ से एक रिमाइंडर आया कि ये टाइटल उनकी तरफ उनके बैनर में बुक है और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमने कहा कि ये लापरवाही एसोसिएशन की हुई है और ये फिल्म के लिए हमारे लिए बहुत मुनासिब टाइटल है और हम कोई और टाइटल सोच ही नहीं सकते तो इसमें कहीं प्रकाश झा साहब ने भी ग्रेस दिखाया कि उन्होंने हमको परेशान नहीं किया इस बात को क्योंकि एक मेकर हैं समझ सकते हैं तो एक हमने उसके साथ एक छोटी सी टैग जोड़ दी कि डेड सिर्फ चौबीस घंटे जो शायद और ज़्यादा रिलिवेंट हो गया टाइटल के साथ और कहानी के साथ आपकी फिल्म का टाइटल है डेड सिर्फ 24 घंटे और सुना कि आपने फिल्म 24 या 25 दिनों में ही ख़त्म कर ली। हाँ मैंने 24 घंटे दिन में भी नहीं बल्कि पूरी फिल्म की शूटिंग 23 दिन में कंप्लीट कर ली उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर शख्स बहुत तैयार था मतलब कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी वो सारे हो चुके थे फिल्म बिल्कुल प्लैंड थी आर्टिस्ट बहुत तैयार थे हमने वर्कशॉप कर लिया था तो मैं नहीं समझता कि हम लोग सेट पे एक्सेप्ट लंच टाइम या जो शाम का ब्रेक होता था उसके सिवा हम लोगों को पास वक्त होता था हम लोग खाट 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 शूट ही करते रहते संध्या मृदुल के कास्टिंग के बारे में खूबसूरत कहानी हाँ जी हाँ जी वॉट वॉट इज इट संध्या की एक मीटिंग हुई मेरे साथ मैंने उसको कहानी सुनाई एंड शी सेड वेरी गुड उसके बाद जब फाइनली फिल्म शूटिंग स्टेज के करीब आई संध्या को ढूंढना शुरू किया पता चला कि वो गोवा में शूटिंग कर रही अब शूटिंग सर पे आनी शुरू होगी और हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा संध्या से और परेशान हो गए हम लोग और इतना प्रेशर था मुझे कि संध्या नहीं होगी तो क्या करेंगे हम शूटिंग से दो दिन पहले इत्फाक की बात है कि फिल्म में रजत कपूर जो हैं वो एक पार्टी में संध्या उनको मिल जाती है और वो छूटती ही उनसे कहते हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं कि तुम कहाँ गायब हो वो तनवीर टेंशन में है तुम्हारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और फिल्म की शूटिंग सर पे आ रही है तुम कहाँ गायब हो क्या है नेक्स्ट डे संध्या सीधा ऑफिस में आ गई कि सर मैंने तो कहा था ये फिल्म कब लग लेकिन भाई उसके लिए कुछ लॉजिस्टिक होती है वो डिस्कस करनी ज़रूरी होती है बोले कमाल बोलिए क्या कैसा करना बोला परसों से शूटिंग है तुम्हारी बोलते यस आई एम शूटिंग सीन है जब रजत कपूर कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और वहाँ फोटोग्राफर्स हैं काफ़ी प्रेस है सुना है कि वो रियल प्रेस थे हाँ वो एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है कि वो एक ऐसा सीक्वेंस था जहाँ मीडिया ने पूरा घेरा हुआ उस डॉक्टर को जिसकी बेटी किडनैप हो गई और उनको पता चल गया किसी तरह ये बात लीक आउट हो गई तो उस दिन हमने अपनी मीडिया कवरेज भी रखी हुई थी तो जितने जर्नलिस्ट आए थे मेरे ख्याल से सौ सवा के करीब जो लोग थे तो उनके साथ ही एक्चुअली वो सीक्वेंस शूट हो गया उनको डिस्क्राइब किया गया कि ये सीन का मिजाज क्या है हमारी ज़रूरत क्या है तो जितने लोग थे ऑलमोस्ट वो मीडिया के ही लोग थे उनके ही कैमराज और कुछ हमारे जूनियर आर्टिस्ट क्लब करके वो पूरी सीक्वेंस उस तरह से शूट कर लेते हैं आप जितनी बार इस फिल्म को देखते हो अपनी अपने काम को देखते हो वॉट यू फील स्पेशली डेड लाइन बनाने के बाद एक जो जॉब सेटिस्फेक्शन है uh, मुझे बहुत uh, बहुत अच्छा महसूस होता है कि फिल्म एक फिल्म नहीं कहीं उसमें एक कहने की कोशिश है एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है और बहुत एक आई वो चीज़ तो वो जो इतमान है वो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी फीलिंग है इरफान खान की परफॉर्मेंस को लेके विच इज़ इन द फिल्म इरफान खान अब इतने अच्छे एक्टर जिनकी काबिलियत के बारे में दुनिया जानती है खैर जब कहानी का ये मोटिव क्लियर हो जाता है डॉक्टर के पास उसकी बेटी वापस पहुंच जाती है और फिल्म का एंड सीन है जहाँ पे ये इरफान अपनी वाइफ़ के साथ है और वो गेट वे ऑफ इंडिया पे वो कबूतरों का दाना खिला रहे हैं कहानी ख़त्म हो चुकी है सबक सिखाया जा चुका है लेकिन उसके बाद की जो अपनी ज़िंदगी का खाली फन है कि लेकिन के इरफान ने अपना बेटा तो गंवा दिया वो लौटेगा नहीं तो वो जो पेन है वो जो तकलीफ़ है जो कोई राइटर लिख नहीं सकता कोई डायरेक्टर समझा नहीं सकता वो एक एक्टर को महसूस करने की चीज़ है वो सीक्वेंस जब आप देखेंगे कि मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन मेरी कमी की भरपाई नहीं हो सकती वो जो लास्ट सीक्वेंस है कि उसने कबूतरों को डाला दाना और वाइफ उसकी तरफ़ देखती है इरफान उसकी तरफ़ देखता वही इमोशनल इंट्रैक्शन दैट इज़ द बेस्ट शॉट और बेस्ट सीन ऑफ द फील थिंक तो तनवीर खान थैंक यू सो मच बीइंग ऑन इट्स बीग अ प्लेज़र तो ये थे तनवीर खान एंड डेडलाइन सिर्फ चौबीस घंटे होप यू एनजॉय द फिल्म एंड होप यू एंजॉय द चैट आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम लेकर आएंगे एक और महामूवी जो आप देखेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के साथ